टू द चैनल, मैं आदित्य गुप्ता आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग बहुत देर से कमेंट कर रहे हैं, बहुत दिन से कमेंट कर रहे हैं कि आपको न्यू कोर्स के बारे में जानना है जो सीए की तरफ से नया आ चुका है और जो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो चुका है। ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं, लेकिन हाँ चेंजेस बहुत अच्छे हैं। जैसे कि पहले जो सीए फाउंडेशन का 4 महीने का प्रिपरेशन टाइम था वही अभी भी है, और इंटर के लिए भी वही 8 महीने का प्रिपरेशन टाइम है वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। बट हाँ, सब्जेक्ट के कुछ नाम बदल दिए गए हैं और कंटेंट वही है, कुछ कुछ के कंटेंट भी बदले हुए हैं। कंटेंट तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को लगता है मेजर चेंजेस है, जैसे सीए फाउंडेशन के मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा सीए फाउंडेशन के मेजर कंटेंट चेंजेस, क्योंकि वो अगर मैं आपको इंटर फाइनल के भी एक साथ मिला के अगर वीडियो बनाऊंगा तो कम वो क्या है वीडियो बहुत ज़्यादा 18-20 मिनट की वीडियो जाएगी और कोई देखेगा नहीं उस हिसाब से। तो मैं क्या है सिर्फ सीए फाउंडेशन का आज बता रहा हूँ। मेजरली देख सकते हैं सीए फाउंडेशन में वही 4 सब्जेक्ट होते हैं, जो 4 सब्जेक्ट है जैसे अकाउंटिंग, बिजनेस लॉस, मैथ्स। बिजनेस मैथ्स जो पेपर था उसको हटा के क्या कर दिया गया, क्वांटिटेटिव एटीट्यूड। और पेपर टू में अपने पास क्या था, बीसीआर भी होता था, उसको हटा दिया ही गया है, बस बिजनेस लॉ रहा है। और पेपर फोर क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें बीसीके को हटा ही दिया गया, वो हट चुका है। नहीं में वही आपका अकाउंट्स को एडवांस अकाउंट्स कर दिए हैं, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ वही है। पेपर थ्री टैक्स है, जिसमें आईडीटी और डीटी दोनों है 50-50 मार्क्स के। पेपर फोर कॉस्ट है, पेपर फाइव ऑडिटिंग है, पेपर सिक्स जो एफएम और एसएम है वो भी 50-50 मार्क्स के। लेकिन एक बहुत अच्छा बात है इंस्टीट्यूट का, जो उन्होंने सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल लाया है उस पर क्या है कि जो आप अगर मान लो आपका मे अटेम्प्ट में क्लियर हो गया बोथ ग्रुप सीए का, तो आपके लिए क्या है आप जब सीए फाइनल दोगे तो 4 सेट जो है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, सेट ए और बी जो है वो कंपलसरी, उसमें कुछ नहीं। सेट सी और सेट डी जो है उसमें ऑप्शन रहता है, तो जो मे अटेम्प्ट में पास हो गए उनको क्या है बोथ ग्रुप का एग्जेम्पशन मिलेगा सेट सी और सेट डी में। और वहीं नवंबर में जो पास होंगे बोथ ग्रुप का उनको क्या मिलेगा, सेट सी या डी में से कोई एक आपको क्या बोलते हैं एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है सी इंटर का वही प्रिपरेशन टाइम है सब कुछ। आर्टिकलशिप अब 2 साल की 4000 की स्टाइपेंड को कर दिया गया, बाकी अब बड़ी बड़ी फर्म्स कितना देती वो तो अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन 4000, 5000, 6000 ऐसी टाइप से कुछ है। और क्या है आप जो 2 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद एडवांस आईटीटी कर लेते हो और अपना सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल कर लेते हो, इसके बाद आपको आप क्या रिकॉग्नाइज हो जाओगे बिजनेस अकाउंटेंट, जो बीएए का एक सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा फाइनल से पहले। और यही और क्या है आपकी जो आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग होगी वो 2 साल की होगी, तो पूरे ईयर में आपको सिर्फ 12 लीव्स मिलेंगी, मतलब 24 लीव्स और 2 ईयर्स की हो जाती। ये हो गया सी इंटर के रिकॉर्ड। रिपोर्टिंग दूसरा पेपर क्या है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तीसरा पेपर एडवांस ऑडिटिंग, ग्रुप टू में चौथा पेपर है डायरेक्ट टैक्स एंड क्या इंटरनेशनल टैक्सेशन, पेपर फाइव है इनडायरेक्ट टैक्स, और पेपर सिक्स है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। यही वही अपना इलेक्टिव पेपर जो है जिसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है, शायद वो टाइप का कुछ पेपर है, इसके बारे में उतना डिटेल मेरे को नहीं पता। और फीस में वही चेंजेस, कुछ चेंजेस नहीं है, जैसे सीए फाउंडेशन का 9000, सीए इंटर का 18000 लगेगा, कितना 18000, ठीक। सी फाउंडेशन का अब पेपर के कंटेंट समझेंगे, मैं आप लोगों को हर पेपर का मतलब जो सी फाउंडेशन के पेपर 1, 2, 3, 4 है उनके कंटेंट में क्या चेंजेस है, क्या बदलाव है वो बता रहा हूँ। जैसे पेपर वन जो है आपका पेपर वन अकाउंट्स में पहला चैप्टर आपका थ्योरेटिकल वाला पार्ट रहेगा, दूसरा अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है वो चैप्टर है, थर्ड बिजनेस रिकंसिलेशन है, फोर्थ इन्वेंट्रीज है, फिफ्थ डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन है, सिक्स्थ क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज, सेवन्थ आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भी सोल प्रोप्राइटर का, एट्थ है एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नाइन्थ है इनकम रिकॉग्निशन, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है जिसमें क्या है एक्सक्लूड कर दिया गया, जो अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन है उसको एक्सक्लूड किया गया, लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं। टेंथ है LLP मतलब आर पार्टनरशिप, इलेवंथ है कंपनीज अकाउंट, ये आपके अकाउंट्स के हो गए फाउंडेशन के। फिर इसके बाद है पेपर टू जो आपका क्या नाम है बिजनेस लॉ, उसके क्या है पहला आपका है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पहला जो आपका चैप्टर है, दूसरा क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तीसरा क्या है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, चौथा पार्टनरशिप एक्ट, पांचवा LLP एक्ट, छठवा कंपनीज एक्ट और सातवां नेगोशिएबल एक्ट। और कंपनीज एक्ट में भी वो बेसिक वाले जो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ये सारी। मेरे को तो जैसे लग रहा है कि जैसे BCR आता था जिस 40 मार्क्स का, अब पेपर जो है बहुत ज़्यादा ही मतलब जो अपना टिक द करेक्ट भी शायद आने के चांसेस हैं ऐसा सुनने में आया है, और टिक द करेक्ट में भी शायद नेगेटिव मार्किंग हो सकती है ऐसा इंस्टीट्यूट जो अपने प्रोस्पेक्टस है उसमें लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट का जो मैंने पढ़ा था कि बाकी जितने सब्जेक्ट रहेंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग भी हो सकता है, क्या बोलते हैं आपका MCQ में वो लिखा हुआ है, वह उसका मैं कटआउट आपको दिखा दूंगा, फोटो किंग है। और ये सेकंड पेपर में पूरा राइटिंग प्रैक्टिस रिटर्न में आएगा, जो आपका वो था BCR जैसे अपने पहले थोड़ा फायदा जाता था पैसेज वैसेज वो सबसे, वो नहीं होने वाला है। पेपर फोर में
पेपर फोर की खासियत कुछ इस प्रकार है। पहले जो है 60 मार्क्स का मैथ्स, नहीं 60 नहीं 40 मार्क्स का ही मैथ्स आता था, इस बार भी कोई 40 मार्क्स है। लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का, स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का। लेकिन मैथ्स में आपके क्या क्या चैप्टर्स हैं, रेशियो है, इक्वेशन है, लीनियर है, और एक फाइनेंस करके चैप्टर डाल दिए हैं, लेकिन वो क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही है। पाँचवा परम्यूटेशन, छठवा सीक्वेंस, सातवा सेट्स, आठवा डिफ्रेंशिएशन, और फिर इसके बाद क्या आपका लॉजिकल रीजनिंग में वही नंबर सीरीज, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन। फिर स्टैटिस्टिक्स में क्या है, डेटा रिप्रेजेंटेशन और सैम्पलिंग करके एक चैप्टर बना हुआ है। सेकंड है सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, थर्ड है प्रोबेबिलिटी, फोर्थ है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिफ्थ है कोरिलेशन, सिक्स्थ है इंडेक्स नंबर। ये जो है मैथ्स के कंटेंट हुए आपके, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पेपर फोर में जो है आपका इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक में पहले तो बेसिक इकोनॉमिक, दूसरा चैप्टर क्या है डिमांड एंड सप्लाई, तीसरा क्या है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, चौथा क्या है प्राइस डिटरमिनेशन, छठवा क्या है पांचवा क्या है नेशनल इनकम, छठवा क्या है बिजनेस साइकिल, सातवा पब्लिक फाइनेंस, आठवा मनी मार्केट, नाइन्थ है इंटरनेशनल ट्रेड, और टेंथ है इंडियन इकोनॉमी। मतलब इंटरमीडिएट के भी कुछ चैप्टर्स को इसमें जोड़ दिया गया, जैसे नेशनल इनकम हो गया हो, पब्लिक फाइनेंस हो गया हो, मनी मार्केट हो गया हो, इंटरनेशनल ट्रेड और इंडियन इकोनॉमी, जो मैंने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में अपने FM इको के पेपर में सी इंटरमीडिएट में, वो चैप्टर्स को इसमें फोर्थ में जोड़ दिया गया। यही कुछ कंटेंट हैं, यही सारी चीज़ें आपके सी फाउंडेशन में ही, सी फाउंडेशन में कोई चेंजेस ज़्यादा मुझे लग नहीं रहे, लेकिन हाँ पेपर पैटर्न पे कुछ तो जरूर आएगा बाद में, अभी तो आप इस पे ध्यान मत दीजिए। जो नए सिलेबस जो मे अटैम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए बहुत रिलेवेंट चीज़ है, इसको आप ज़रूर ध्यान दें, लेकिन जो नवंबर अटैम्प्ट दे रहे हैं वो अपना पूरा फोकस अभी अपने नवंबर बोल रहे हैं, दिसंबर अटैम्प्ट दे रहे हैं फाउंडेशन का, वो पूरा फोकस अपने पढ़ाई में करें, ज़्यादा इधर उधर ना जाएं, क्योंकि अब इंस्टीट्यूट पता नहीं कैसे मार्क्स करके क्या चेक करेगा, क्योंकि इस बार जो है फाउंडेशन का, इस बार इंटरमीडिएट और फाइनल का दोनों बोध ग्रुप का रिजल्ट बहुत कम कम है, 10% और 8% है। अब पता नहीं ये आपका फाउंडेशन का रिजल्ट कितना आता है, अभी रिजल्ट आ जाएगा अगस्त, 10 अगस्त तक जहां तक मुझे लगता है, या उससे पहले भी आ सकता है। अब इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकती है, इंस्टीट्यूट पे भरोसा नहीं कर सकते कि वो जल्दी लाएगी लेट लाएगी, कभी भी इंस्टीट्यूट धमाका दे सकती है, इसलिए प्रिपेयर रहिए। और आपका आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए, किस टाइप की वीडियो चाहिए कमेंट करिएगा। बाकी मैं